नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। औरंगाबाद की खबरों पर एक नजर। कुछ दिन पूर्व बारून प्रखंड उप प्रमुख प्रभावती देवी के विरुद्ध 11 पंचायत समिति सदस्यों ने उन पर कई आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिस पर चर्चा के लिए प्रमुख ने गुरुवार को समय निर्धारित किया था, जिसे लेकर गुरुवार दंडाधिकारी सीओ संजय कुमार अम्बस्ट, बारून थाना अध्यक्ष नरोत्तम चंद्र नरारी, कला खुद प्रशांत कुमार और पुलिस बल की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच मनरेगा सभा कक्ष में प्रमुख धनिक लाल मंडल के अनुपस्थित होने के कारण पंचायत समिति सदस्य बलजीत सिंह की अध्यक्षता में उप प्रमुख को विरुद्ध लाया। अविश्वास प्रस्ताव का दिन था, आखिरी दिन था। जिन्होंने अविश्वास पर विश्वास प्रस्ताव लाए वो न सदन में उपस्थित हुए और न उपस्थित होने की कोई उचित समस्या समझ सके। अध्यक्षता मैंने किया है, उसमें मैंने ये बात रखी कि जिनके द्वारा लाया गया था ये हमारे द्वारा लाया गया नहीं था। जिनके द्वारा ये सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो सदन में मौजूद नहीं थे, इसको निरस्त या खारिज किया गया और वही हुआ भी, इसको खारिज किया गया। यही हमारा सदन का जो स्वरूप रहा। आप लोगों के बीच में जो मेरे सामने जो हुआ मैंने आपको बताया। और क्या करना चाहते इस विषय पर? उसी का माहौल है, बस एक मिलजुल करके विकास करें हम दोनों, यही हमारी मिलजुल करके कामना है और शुभकामना भी है। मेरे प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हाँ? जिसमें सभी समिति नहीं पहुँचे। जिस कारण से क्या हुआ? तो चार ही हम लोग पहुँचे और मेरा कुर्सी बरकरार रहा। तो कितने तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लगा था? 4 सितंबर। कितने तारीख को लगा गया? 4 तारीख को लगा था। 4 सितंबर को। सितंबर को तो।